एक चीज आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो हमें पसंद नहीं है वो है अलग अलग पासवर्ड याद रखना, चाहे वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, चाहे वो सोशल मीडिया का पासवर्ड हो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर इनकम टैक्स का ही पासवर्ड क्यों ना हो। और ऊपर से अगर ये पासवर्ड हमें रेगुलरली यूज ना करने हो और साल में एक या दो बार ही यूज करने हो तो इनको याद रखना और भी मुश्किल हो जाता है। और इनकम टैक्स का पासवर्ड भी कुछ इसी तरह का पासवर्ड है, ज्यादातर लोगों को सिर्फ अपनी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त ही पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और पूरे साल इनकम टैक्स की वेबसाइट में लॉगिन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए इनकम टैक्स का पासवर्ड खास करके याद रखना एक बहुत ही बड़ा मुश्किल का काम है। ऊपर से इनकम टैक्स के पासवर्ड में एक और बड़ा पंगा है, वो पंगा ये है नहीं भी तो 50% लोगों का इनकम टैक्स का पासवर्ड या तो कोई CA या कोई अकाउंटेंट ही हैंडल करता है। को टैक्स पेयर को उसका पासवर्ड मालूम ही नहीं होता और यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करोगे इवन उस अकाउंट में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होते हैं वो SSC के नहीं होते हैं, टैक्स पेयर के नहीं होते हैं, वो या तो अकाउंटेंट का होता है या अकाउंटेंट के किसी जानकार का होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमें अपना अकाउंटेंट चेंज करना होता है। उसके बाद ये देखा गया है चाहे आप पासवर्ड कितनी भी बार मांग लो, कभी उनकी मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, कभी उनकी बकरी माँ बनने वाली होती है, तो पासवर्ड कभी भी आपको मिलता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट करने का। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या कोई और आपको आपका पासवर्ड नहीं दे रहा है तो किस तरह से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, एक नहीं तीन तीन चार चार तरीके मैं आपको बताऊंगा, आसान से तरीके बताऊंगा इस वीडियो में, बने रहिएगा दोस्तों। मैं हूं CA हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिनमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। तो आइए दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट है IncomeTaxIndiaEfiling.gov.in, जैसा आप लोग यहां पे देख रहे हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आने के बाद में आपको राइट हैंड साइड टॉप में आप देखोगे लॉग इन हेयर का एक ऑप्शन है, लॉग इन हेयर पे आपको क्लिक करना है। लॉग इन हेयर पे आप क्लिक करोगे तो आपसे यूजर आईडी मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, कैप्चा कोड मांग रहा है, पर क्योंकि आप अपना पासवर्ड भूल चुके हो तो हम यहां से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अभी हमें फॉरगॉट पासवर्ड के लिंक पे जाके अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। तो सबसे पहले हम फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। देखिए अब जो पेज खुल रहा है उस पे आपका यूजर आईडी मांग रहा है। यूजर आईडी जैसे कि आप लोगों को पता है आपका पैन बाय डिफॉल्ट यूजर आईडी होता है, तो यहां पे आपको अपना यूजर आईडी डाल देना है जो कि आपका पैन नंबर है। फिर कैप्चा कोड डालेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखिएगा आपको ऑप्शन दे रहा है, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। यहां पे आप देखेंगे चार ऑप्शन है, इन चार तरीकों में से कोई भी एक तरीका यूज करके आप अपना इनकम टैक्स का लॉगिन पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। तो सबसे पहला ऑप्शन दोस्तों आंसर सीक्रेट क्वेश्चन का है। अगर आपको आपका सीक्रेट क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों याद है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो आंसर सीक्रेट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे जो कि आपके पैन पे भी आ रहा होगा। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भूल गए तो आप अपना पैन देख के याद कर लीजिए। अपना भूल जाए तो कोई बात नहीं है, पर अपनी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ कभी भी मत भूलिएगा। टाइप करने के बाद में अब आप सीक्रेट क्वेश्चन पे क्लिक करके देख सकते हैं आपने दो सीक्रेट क्वेश्चन दिए थे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से ये पूछ सकता है प्राइमरी या सेकेंडरी में से कोई भी क्वेश्चन आपको। जैसे यहाँ पे मेरे को शो हो रहा है व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही दोस्तों अगर आपने सही आंसर डाला है तो आपको यहाँ पे जैसे दिखा रहा है OTP विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो दो OTP रिसीव होंगे आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी। तो अगर ये आप ही का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो आप कंफर्म कर दीजिए, आपको OTP रिसीव होंगे, OTP डाल दीजिए और पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। कई बार ऐसा हो सकता है ये ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपका ना हो, किसी और का हो, चाहे वो मोबाइल नंबर बंद हो गया हो या ईमेल आईडी का पासवर्ड या भूल गए हो, तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन है जिसमें आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर एक्सेस नहीं कर सकते हो तो इस ऑप्शन से आप अपना पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे, तो हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन दोस्तों अपलोड DSC का है। डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे एकदम लास्ट में आएंगे दोस्तों, क्योंकि जनरली इंडिविजुअल्स अपना डिजिटल सिग्नेचर नहीं बनवाते हैं और डिजिटल सिग्नेचर बनवाने के लिए आपके 500 रुपए से लेके 1000-1500 रुपए तक खर्च भी हो सकते हैं। इसीलिए यह ऑप्शन तभी ट्राई करेंगे जब कोई भी विकल्प नहीं रह जाएगा।
जब कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा पासवर्ड रिसेट करने का, तो ये सबसे आसान तरीका है कि आपको अपना एक डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है। और डिजिटल सिग्नेचर क्योंकि पैन बेस्ड होता है और पैन क्योंकि आप ही का है, तो आप अपना पासवर्ड इस तरीके से रिसेट कर पाओगे। पर इस तरीके को लास्ट में समझेंगे, उसके पहले देखते हैं तीसरा तरीका जो है यूजिंग ई फाइलिंग ओटीपी। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आप इस रेडियो बटन को चेक करते हो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है अभी इनकम टैक्स के वेबसाइट पे वो शो करेगा। तो अगर ये आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है तो आप आसानी से रीसेट कर पाओगे अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड। पर किसी कारण से आप इस मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को एक्सेस नहीं कर सकते हो, या ये किसी और का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है, तो आप ये वाला ऑप्शन भी यूज नहीं कर पाओगे अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट करने के। फिर दोस्तों एक और ऑप्शन है यूजिंग आधार ओटीपी। तो अगर दोस्तों आपका पैन और आधार आपस में लिंक्ड है और आप अपने मोबाइल पे अपने आधार का ओटीपी भी रिसीव कर लेते हो, तो इस ऑप्शन से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। देखिए जैसे ही आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो यूजिंग आधार ओटीपी और कंटिन्यू पे क्लिक करते हो, तो आपका आधार नंबर यहाँ पे मास्क किया हुआ दिखा रहा है, लास्ट के 4 डिजिट दिखा रहा है केवल। ऑब्वियसली ये आप ही का आधार नंबर होगा। जनरेट आधार ओटीपी पे आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पे जो आधार से लिंक्ड है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ डालना रहेगा। ओटीपी डालने के बाद में आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाओगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ये परेशानी है कि उनको आधार का ओटीपी रिसीव नहीं होता है क्योंकि उनका मोबाइल अपडेटेड नहीं है आधार में। तो इस ऑप्शन से अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रिसेट करने के लिए आपको आधार सेंटर जाके अपने आधार पे अपना मोबाइल नंबर पहले अपडेट कराना होगा ताकि आप आधार वाला ओटीपी रिसीव कर सको। इस प्रोसेस में 15-20 दिन एक महीने का समय लग सकता है क्योंकि आधार में करेक्शन कराना आजकल काफी पेचीदा और टाइम कंज्यूमिंग काम हो गया है। तो फ्रेंड्स, जो तीन ऑप्शन हमने डिस्कस किए हैं, अगर किसी कारण से आप इन तीनों ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन यूज करके अपना पासवर्ड रिसेट नहीं कर पा रहे हो, तब मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड डिजिटल सिग्नेचर लेके रिसेट करिए। डिजिटल सिग्नेचर लेने के लिए जो कंपनियां डिजिटल सिग्नेचर बनाती है उनके पास जाके आपको एक डिजिटल सिग्नेचर बनवाना होगा अपना। पैन बेस्ड डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं आजकल और डिजिटल सिग्नेचर बनवाने में एक कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, 500 रुपए से लेके 1,000-1,500 रुपए तक लगते हैं। तो आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाइए, पेन ड्राइव में आपको आपका डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। 1-2 दिन लगते हैं डिजिटल सिग्नेचर बनने में। डिजिटल सिग्नेचर बनते ही आप अपलोड डीएससी वाले ऑप्शन में आके कंटिन्यू करेंगे, न्यू डीएससी पे क्लिक करेंगे और अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही आप अपना डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे लगाओगे, आपके लिए यहाँ पे पासवर्ड रिसेट करने वाला बॉक्स खुल जाएगा। आप अपना नया पासवर्ड डाल दीजिए और इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रिसेट कर लीजिए। तो दोस्तों ये 4 तरीके थे जो अवेलेबल है आज के डेट में इनकम टैक्स में अपना पासवर्ड रिसेट करने के लिए। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हो या किसी और कारण से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो और आपको पासवर्ड रिसेट करने की जरूरत है, तो इन 4 तरीकों से आप अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड रिसेट कर सकते हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना इनकम टैक्स का पासवर्ड अपने पास ही रखिए, किसी और को मत दीजिए। किसी और को देना है, कई बार अकाउंटेंट को सीए को पासवर्ड देना पड़ जाता है, पासवर्ड दीजिए लेकिन कंट्रोल अपने पास में रखिए। ये जरूर चेक कर लीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका अपना है, अगर नहीं है तो लॉगिन करने के बाद में उसको अपडेट कर लीजिए ताकि अगर किसी कारण से आप अपना पासवर्ड भूल जाओ फ्यूचर में, तो आप उसको ओटीपी के थ्रू बड़ी आसानी से वापस रीसेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मैं लेके आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर में जिनमें होता है फायदा हम सभी लोगों।